आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जहां यूपी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में काफी सक्रिय नजर आ रही है। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही पहले से ज्यादा ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले। वहीं योगी सरकार ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए कैसा रहा सेवा सुशासन के 100 दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने एक पुस्तिका का विमोचन किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कहा कि ये 100 दिन सेवा, समर्पण और सुशासन के लिए समर्पित थे। सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित 100 दिन। सरकार बनते ही विकास पर विशेष फोकस। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए किया काम। जनता के घर तक गई योगी सरकार। सरकार के मंत्री गांवों में गए लगाई चौपाल। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अपराधियों और भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सरकार ने प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया है। इन 100 दिनों में सरकार ने माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई कर इसे साबित किया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही सरकार और सपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 87 साल में पहली बार यूपी उच्च सदन कांग्रेस मुक्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हर रोज नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। यूपी में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार जीत दर्ज की। हमने जो वादे किए उन्हें निभाया। 10 मंत्री समूह ने एक एक कमिश्नरी में लगाया कैंप। वितरित की गई 11 लाख घरौनी। 12,537 करोड़ का गन्ना मूल्य का हुआ भुगतान। 14,000 जोड़ों का कराया सामूहिक विवाह। दोबारा सरकार बनने पर आगे बढ़ाई गई फ्री राशन की व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जनता से जो भी वादे किए वो पूरे किए। अब हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन सके। हम प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार बनते ही हमने 10 सेक्टर को सूचीबद्ध किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।
जिससे कि निवेश से लेकर विकास के हर क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ सके। दो बार चलाया गया संचारी रोग अभियान, कर्मचारियों के लिए लागू हुई ई पेंशन की सुविधा, धार्मिक स्थलों से हटाए गए 1.20 लाख लाउड स्पीकर, 76,000 अवैध पार्किंग स्थल किए गए मुक्त, प्रदेश में बेरोजगारी दर हुई 2.9%, यूपी का एक्सपोर्ट 1,56,000 करोड़, युवाओं को बांटे गए स्मार्टफोन, यूपी में 400 से ज्यादा लगाए गए रोजगार मेले। सीएम ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा, यूपी में बीते 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी दी गई है। हमने अपना लक्ष्य रखा है कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख से अधिक का लोन देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो प्रदेश के 86 लाख किसानों का ऋण माफ कर दिया था। 2022 में जब पहली कैबिनेट बैठक हुई तो सरकार ने प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया। ये सरकार की दिशा को दर्शाता है। 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था और 2022 की पहली कैबिनेट हुई थी, प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी फ्री राशन देने की उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का निर्णय हम लोगों ने पहली कैबिनेट में लिया था, जिसे 3 महीनों तक धान गेहूं के साथ, चावल और गेहूं के साथ ही दाल तेल नमक और अंत्योदय परिवारों को चीनी भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। सरकार ने सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे कर लिए हैं और अब प्रदेश में सेवा और सुशासन के लिए आगामी 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें योगी ने अपने मंत्रियों और जनता का साथ मांगा है। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन आगामी समय के लिए रूपरेखा भी बना ली गई है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।